अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू हैदर्स व्लॉग। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हो पीछे हो गया बिल्कुल खाली। तो अभी हम लोग टीवी को शिफ्ट करेंगे मतलब अपने रूम में, क्योंकि मतलब क्योंकि दोस्त लोग और कज़न लोग जब आते थे तो ये मेरे छोटे भाइयों और मदर के रूम में, तो यहाँ पे रश बहुत होता था तो मदर को नींद में बहुत डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा था। तो इस वजह से हम लोग टीवी को ही शिफ्ट करेंगे अपने रूम में। तो इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। तो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो ख्यान के वालिद साहब टीवी को शिफ्ट कर रहे हैं हम लोगों के अपने रूम में। उसका दो छोटू भी है, दो कारीगर है उसका। ये सबसे मेन कारीगर है और दूसरा ये जो टीवी के पीछे छुपा है। बिल्कुल आई लेवल सही है अंगुला। तो यार मैं करता हूँ फटाफट नाश्ता हदीसा जहरा के साथ, ये मेरी बांजी के साथ। यार आप लोगों को पता होगा कि बॉयज का रूम कैसा होगा, अल्लाह माफ करे। तो मेरा रूम भी कुछ उसी तरह ही है। तो अब इसको सेट करेंगे, थोड़ा सा थोड़ा बहुत सेट करना है मुझे, तो जल्दी जल्दी से सेट करना है। तो फाइनली रूम बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल साफ। और अभी क्यान भी आने वाले हैं हम लोगों के घर पे। यार आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यान लोग कितना आते हैं हम लोगों के घर पे। यार तो उन लोगों के बगैर गुजारा नहीं होता हम लोगों का। तो इस वजह से वो लोग तकरीबन डेली आते हैं, अगर डेली नहीं तो दो तीन या तीन दिन बाद ज़रूर। हेलो वालेकुम, खुबी जान तुझे हो रहा। अभी क्या ने दुकान जाना है तो इसके साथ दुकान जाऊंगा। चलो मुझे कह रहा है मामू मुझे दुकान ले जाओ, मैंने भी कहा चलो। इसकी बहन को देखो, ये कह रहा है मैं भी जाऊंगा अपने भाई के साथ, मैं भी जाऊंगा। चिजमिगरे तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। आज मेरी मदर भी है मेरे साथ, कियान हदीसा मैं मेरी मदर जामोरे डैम
तो हम लोग डैम पहुंचने ही वाले थे कि बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश शुरू हो गया, बहुत तेज। हम लोग अभी यहाँ पे कहीं पे स्टे किए हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक बारिश कम ना हो। बारिश के बाद बहुत ही सुहाना मौसम होता है, स्पेशली डैम की तरफ बहुत ही प्यारा मौसम। सब चले गए, इन लोगों ने समोसा और चिप्स अपनी जगह पे छोड़ दिया। तो अभी बारिश थोड़ा बहुत थम गया, तो इस वजह से हम लोग फिर से आ गए कैंटीन में। बारिश फिर से शुरू हो गया और बहुत तेज़, तो मजबूरन हम लोगों को वापस उसी जगह पे या फिर कैंटीन के अंदर जाना पड़ेगा, है ना? हाँ। बारिश पसंद है आपको? बारिश खुश तेरे? हाँ। खलो कम या। चीज़ ऑर्डर तो दे याली। आलू चिप्स। तो इन दोनों के लिए दो फ्राइज ऑर्डर किया था, मजेदार चीज, मजा मिला। बारिश एंजॉय मुनी, एंजॉय मुनी, मस्ती मुनी। तो अब सेकंड राउंड की बारी, कियान खाता भी है, वॉक भी करता है। कियान क्या तो मैं लोगों से मैंने वादा किया था कि इन लोगों को सूप लाने ले जाऊंगा, मगर मगर यहाँ पे इन लोगों को मैंने अपने लिए और अपनी मदर के लिए शुअरमा ऑर्डर किया है, और कियान ने पापड़ लिया अपने लिए, फिर हदीसा ने, हदीसा भी शुअरमा खाएगा अपनी दादी के साथ। बहुत ही पुरसकून माहौल रहता है यार। हल्की हल्की बारिश, बेंच पे बैठे हुए लोग, सब पे लाइट जला हुआ, वाह। तो शुअरमा कब से आ गया? तकरीबन 5 मिनट हो गया। मदर गई थी नमाज पढ़ने, तो मदर भी आ गया, तो इसको खाएंगे फिर जाएंगे घर पे। बेल पेंट उतार सुना दीगा क्या कह रहा है मामू? ही है तो गीला है, अगर मैं इसके ऊपर भी बैठ गया तो पेंट गीला होगा, तो कोई बात नहीं। तो यार ये मेरा व्लॉग देखता ही नहीं है, चरसेल ना उन्हें, वो गजब बेइज्जती है। सर कटा। तो यार अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:15 और मैं जाने वाला हूँ अपनी कज़न के घर पे, उसकी एनिवर्सरी है आज, तो उसने मुझे बुलाया है फोटोग्राफी के लिए, तो लेट्स गो। तो यार मैं पहुंच गया हूँ अपनी कज़न के घर पे, एज यूजुअल आई एम लेट। कोने में है पाया, बिहारी,
चिकन मंचूरियन और चाइनीज चावल। तू नान खोर दी? चरा बुखार चरा मोबाइल बाजी पास भी शिकार जल्दी आदम चक्कर आदम चक्कर ध्यान भी कर ध्यान भी कर। ये हदीसा की बारी है। आई फेट सुनने गिरा नाम को मुख्य को दो रखता। वाह इलाक तो हदीसा टेस्टी है। अभी मेरे भाई बड़े भाई की बारी है केक खाने की। इसको देखो इसको देखो किस तरह बैठा हुआ लेटा हुआ। तो अभी मैं अपने चाचा साहब से भी मिलूं। अस्सलाम वालेकुम काका। वालेकुम अस्सलाम काका। खुबिन बखैरिन जान छुजोरा बखैर शुक्र। 1 आवर लेटर यार अभी मैं फ्री हो गया हूँ कजन के घर से और अभी ये तो बंद हो गया। मूंगफली लेना था मुझे तो कोई बात नहीं। मेरे भाई लोग गए हैं फुटबॉल मैच खेलने और मैं अपने कज़न के घर बिजी था तो इसलिए मैं नहीं गया उन लोगों के साथ। तो कोई बात नहीं अभी जाऊंगा उन लोगों के पास। देखने की जगह है क्या? क्या हाल है शरीफ? ठीक ठाक शक कर बलाई इंग्लैंड का कैप्टन रमजान। तो यार मैं जब गया था मूंगफली लेने तो मूंगफली की दुकान बंद हो गया था मगर क्यान के वालिद साहब ने ले लिया था पहले से। तो मूंगफली स्पेशली सर्दियों का सौगात होता है। तू मूंगफली ना मुखरे चारा क्या मूंगफली नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाओगे चरना मुखरे? आओ बोखर आओ खैर क्या इस स्टाइल में इस हेयर स्टाइल में अच्छा लग रहा है। तो मेरे सारे भाई लोग कहते हैं इसका सर सही मतलब इसका हेयर सही नहीं काटा इस मरतबा। तो आप लोग बता दे के हेयर सही काटा इसका यानी इन सेल क्या 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 नाच रात में लोगों के घर पे स्टे करेगा। ये जूस इतना रहता है वो बात सच है। बंदे के पास दिल होना चाहिए ना कि मतलब माल या कुछ और। जूस इतना है मगर क्या कह रहा है मामू आकर दोनों पियेंगे इतने जूस को। थैंक यू बोरे पैर आड़ दूँ बखरी गल गल आड़ दूँ बखरी जूस तू जू पाइप शिपो खरमाजिश बुखर आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ। होप सो कि व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें।
फैमिली वालों से प्यार करें, दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, ख्याल मेरा ब्लॉग देख रहे हैं जो भी मैंने रिसेंटली अपलोड किया था, तो आप लोग भी देख लो और इंजॉय करो क्वेटा के ब्लॉग्स को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।